नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम पाम रेजिडेंसी में मौजूद है। यहाँ पर दिवाली की रात यानी कि 4 नवंबर को जिस बिल्डिंग के पास हम खड़े हैं, इसके 18वें फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जो फैमिली थी वो, ये खुशी की बात है कि जो जिस वक्त ये आग लगी कि फैमिली वहाँ पे नहीं थी, बाहर गई हुई थी, और आग इतनी भयंकर लगी थी कि बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर कम से कम 50 से 55 लाख का नुकसान हुआ है। जो ये रेजिडेंसी के लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो अभी यहाँ मौजूद हैं, वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बिल्डर है उससे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है। 3रा दिन है आग लग चुके हैं, पर लेकिन वो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर रेजिडेंसी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे लगी कैसे और कितना इनको नुकसान हुआ है। सर, सबसे पहले तो आप ही बताइए, जिस फ्लोर में आग लगी वो आपका था, ज़रा उसके बारे में बताइए। जी, वो हमारा फ्लैट था, हमने पिछले साल सेप्टेम्बर में हमने ख़रीदा था, और दिवाली की रात को हम लोग सोसाइटी के साथ वाले मंदिर में गए थे। हम लोग मंदिर से 15 से 20 मिनट बाद जब हम वापस आए तो हमने देखा हमारे फ्लोर की सारी लाइटें बंद है। हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए हैं, एक लिफ्ट वर्किंग थी। हम लोग ऊपर गए तो देखा हमने लोहे के गेट से बड़ी तेज धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, और आग की लपटें निकल रही है। लोहे का गेट बंद होने की वजह से हम लोग एंटर नहीं कर पाए। हमने कोशिश करी दरवाज़ा खोलने की, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल भी लिया था हमने, और फायर सिलेंडर की हेल्प से कोशिश करी आग बुझाने की, बट वो सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे, खाली थे वो सारे। आग इतनी तरीके से जल्दी फैली कि अंदर ना तो एंटर कर पाए हम लोग। हमने फायर एक्सटिंग्विशर के जो पाइप थे पानी के, अंदर फ्लैट में स्प्रिंकल्स लगे हुए थे, उसमें भी पानी नहीं था। अगर वो हो जाते तो शायद नुकसान बहुत कम होता। जो आज 100% नुकसान है वो शायद 20 से 30% तक रुक जाता। ना तो पाइपों में पानी था, ना सिलेंडरों में गैस थी जिससे वो आग बुझ जाती। आज फायर अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। बाकी काफ़ी सारे जितने भी रेजिडेंट थे, सब लोग सिलेंडर लेकर के ऊपर आए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी है। तब भी करीब करीब 2 से 2.5 घंटे के अंदर आग बुझी है। फायर ब्रिगेड आई है, उनके पास में भी उतना फैसिलिटी नहीं थी। कितना नुकसान हुआ है आपको इसमें? जी, करीब करीब 50 से 55 लाख का टोटल नुकसान हुआ है। काफ़ी इंटीरियर का वर्क भी था, अंदर अप्लायंसेस भी थे, फर्नीचर भी था। टोटल एक बार आप अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब मिलेगा नहीं कुछ भी। जी मैम, क्या कहना, क्योंकि नुकसान के बाद आपने बिल्डर को भी बोला होगा, जिन उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि वो आए नहीं है अभी तक, तो क्या हुआ है? हुआ क्या है कि बिल्डर को पता तो है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट उनकी तरफ से अभी तक हमारे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी पुलिस स्टेशन से भी उनको कॉल किया है, उनको बुलाया गया है, उनको बोला गया था कि वो आज भी आएंगे, कल भी बोला था उन्होंने आएंगे, बट वो अभी तक आए नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि वहाँ पर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि एक फ्लैट जला है, वो हमारा घर था, हमारा सपना था, वो जो हमने सजाया था वो पूरा जल चुका है जी। और ना अब हमारे पास रहने के लिए कुछ है, हम नहीं रह सकते, हम सड़क पर आ चुके हैं। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो बस ऐसे ही कोई फ्लैट खाली है उसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और उसमें हमारे पास कुछ नहीं है रहने के लिए, ना हमारे पास एक बर्तन, एक तिल्ली तक नहीं बची है हमारे उस घर में। अगर आप देखोगे ऊपर जाके तो वो पूरा सिर्फ राख है वहाँ पर, और कुछ नहीं है। जी, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पूरा फ्लोर है वो 18 फ्लोर ये बता रहे हैं, वो पूरा जलकर खाक हो चुका है। ये भी बताना चाहूँगी, और सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, उनको भी खतरा बना हुआ है आखिर कैसे ये आग लगी है। और भी कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ पे रहते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, और फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे जहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है वहाँ की स्थिति क्या है। अभी हमने लोगों से जान लेते हैं कि और भी लोग रहते हैं, क्योंकि आग लगी तो डर। जी सर, बताएंगे क्या कैसे? देखो, लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, और बहुत बड़ा हादसा था। परमात्मा का हम इस बात का शुक्र है कि इन दोनों की जान बच गई, और ये आग उस दिवाली वाली रात हवा नहीं चल रही थी, नहीं तो ये आग और फ्लैटों में भी लग सकती थी। मतलब बचाव नहीं था, बहुत भयंकर आग थी और बहुत बड़ा दर्द है, ये बहुत भयानक हादसा था। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्डर ने जो यहाँ पर लापरवाही दिखाई हुई है कि आज भी फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये भयंकर हादसा हो चुका। अगर वो काम कर रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना भयानक हादसा हो सकता था, उसमें रुकावट उसको रोका जा सकता था, बट वो आग काबू में लाने वाली आग नहीं थी। इनका पूरा सपनों का घर जल चुका है, आप सबके चेहरे देख रहे होंगे। इनके साथ वो हादसा हुआ कि सबको दर्द है, और हमारी यही सरकार से और बिल्डर से विनती है कि इनको उचित न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले, कि आज ये सड़क पर आ चुके हैं, और हम सबका
साथ जैसे पड़ोसी के नाते हो सकता है हम सब साथ दे रहे हैं इनका कि, और बिल्डर से और सरकार से यही विनती है कि इनको उचित से उचित न्याय जल्दी से जल्दी मिले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो गलती है वो बिल्डर की बताई जा रही है, क्योंकि जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो भी काम नहीं कर पा रहे थे, जो वाटर पाइप है वो भी बंद थे। अब हम ऊपर चलेंगे जहाँ पर आग लगी है, वहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो उस दिन उस रात आग लगी और कितना इस परिवार को नुकसान हुआ है, ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम 18th फ्लोर पर मौजूद है जहाँ पर जिस फ्लैट में आग लगी है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पर ये वाटर सिस्टम है, ये पाइप जो लगे हुए हैं, जब यहाँ पर आग लगी थी और कोशिश की गई थी कि यहाँ से इनको चालू किया जाए, लेकिन जैसे तैसे ही शीशे को इसको गेट को तोड़ ताड़ कर जैसे अंदर इसको शुरू करने की कोशिश की गई, तो लेकिन उसके अंदर पानी ही नहीं आया और आग बढ़ती गई। अभी हम यहाँ मौजूद हैं और आगे की स्थिति हमने भी देखी कि कितना बुरा हाल है, जलकर पूरा जो फ्लैट है वो जलकर खाक हो चुका है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स रखे हैं, ये सिर्फ नाम के लिए रखे हुए हैं, और अंदर और भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो हालात है वो इस फ्लैट को, जो फ्लैट है वो जलकर खाक हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने सारे सिलेंडर्स पड़े हैं, वो सिलेंडर्स तो हैं लेकिन उनमें गैस नहीं है इसको बुझाने के लिए, और वाटर सिस्टम जो है पानी भी की जो इनके उस टाइम जब आग लगी थी तो पानी भी इनको नहीं मिला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा फ्लैट है वो जलकर खाक हो चुका है। जो परिवार जन है उनका कहना है कि तकरीबन 50 से 55 लाख का नुकसान उन्हें हुआ है, पूरी तरह से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस फ्लैट के अंदर बची है, बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत भारी भरकम इनको नुकसान हुआ है। जो बिल्डर है उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, हालांकि वो अभी यहाँ पर पहुँचे भी नहीं है कि किस तरीके से जो हालात आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्लोर है पूरा जलकर खाक हो चुका है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किचन है, किस तरीके से लग रहा है कि किचन है, क्योंकि जलकर ही पूरी तरीके से खाक हो चुका है, एक भी सामान पूरे फ्लैट के अंदर बचा ही नहीं है। जो हालत है पूरे फ्लैट की, फ्लैट अब बचा ही नहीं है ये, क्योंकि बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। अभी यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हादसा कभी भी कोई भी और हादसा घट सकता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इस सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं उनका कहना है कि सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आज तो एक फ्लैट में आग लगी है, अगर आगे ऐसा ही रहा तो और भी फ्लैट्स में आग लग सकती है। आपने नज़ारा देखा ही है कि किस तरीके से यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। मैं BPTP सेक्टर 76 W ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ RWA का। जैसे हमें इनके दुख का पता चला हम कल यहाँ पे आए। ये दुख केवल भार्गव जी का नहीं है, हम सबका दुख है। हम सारे इकट्ठे होकर कल पुलिस स्टेशन में गए, हमने पुलिस SHO को कंप्लेंट दिया है और SHO साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने सभी ने इकट्ठे करके अभी ये प्लान किया है, कल यहीं पे सेक्टर 76 में माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का प्रोग्राम है, हम उनको भी ज्ञापन देंगे। और ये बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहा है, इसकी सेम ऐसी एक साइड 82 सेक्टर में है, वहाँ भी इन्होंने यही धांधलेबाजी कर रखी है। 5-5 साल से लोग इसके पीछे घूम रहे हैं, किसी को पोजीशन नहीं दे रहा, देता है तो अनकम्प्लीट पोजीशन देता है। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हमारे भार्गव जी की जान बड़ी मुश्किल से बची है और घर तो बर्बाद हो ही गया। आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से हमारी बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बिल्डर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। और इन फ्यूचर हमने यही प्लान किया, जब कुछ भी करना पड़े, कोई हमें हद पार करनी पड़े, इस बिल्डर को यहाँ पे जरूर लेकर आएंगे और हर हालत में भार्गव जी को हरजाना दिला के छोड़ेंगे। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के अंदर, जितनी ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर बदहाली है इस सोसाइटी में, हम भगवान भरोसे रह रहे हैं। यहाँ पर कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, प्रशासन ने आँखें मूंद रखी हैं। कोई बिल्डर का व्यक्ति या रिप्रेजेंटेटिव या बिल्डर के द्वारा आज 3 दिन हो गए हैं, इस फैमिली से किस तरह कांटेक्ट नहीं किया गया है, ना किसी तरह के विधायक का हमारे को सपोर्ट है। यहाँ पर पूरा प्रशासन आग बंद करके बैठा हुआ है, वो चाहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए, एक नेशनल न्यूज़ बने और यहाँ कवर करने के लिए दुनिया भर का मीडिया यहाँ पहुँच जाए। उनको लखीमपुर खीरी या और अदर मामलों से फुर्सत ही नहीं है। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि यहाँ की जो पब्लिक है वो कैसे EDC दे रही है। आप सड़कों का हाल देखिए, अभी आप अंदर आए हैं, यहाँ पर किसी तरह का सिक्योरिटी चेकअप नहीं है। हमारे यहाँ पर हाँ ये जो है सिलेंडर भरे नहीं है। क्या आपको पहले नहीं जानकारी थी कि इस बात की, कि अगर आप रह रहे हैं तो कम से कम इस चीज के बारे में तो आप भी ध्यान रखें। इसके लिए हम पर्सनली 2 से 3 बार बिल्डर से मिले हैं, उसके ऑफिस में जाके बात की है, उसको बताया गया है कि इनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है। यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल नहीं किया गया इसके रिगार्डिंग में कि यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो। बिल्डर के द्वारा कहा जाता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हम करवा लेंगे। और ये आप देख रहे हैं 5 से 7 सिलेंडर बाहर पड़े हुए हैं, 5-7 सिलेंडर यहाँ पड़े हुए हैं। ये भी हमारी सोसाइटी के सिलेंडर नहीं है, हमने सामने वाली सोसाइटी से लिए हैं। जो आज के न्यूज़पेपर में डाला गया है कि
इनके द्वारा आग को बुझाया गया, ये हमारी सोसाइटी के नहीं है, हम सामने सोसाइटी से लेके आए हैं, उनके दो दिन पहले यहाँ पर सिलेंडर आए थे। हमारे यहाँ तो आज तक आप चलिए किसी भी टावर में C3 से लेकर C5 तक एक भी सिलेंडर ऐसा नहीं है जो आपने एक्सपायरी डेट को क्रॉस ना कर चुका हो। देखिए, हम सबसे पहले तो बिल्डर के खिलाफ जो ये लापरवाही है जिसके कारण ये हादसा हुआ है, हम उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम इस फैमिली के लिए सपोर्ट रखेंगे। और हम आपको यही बस आपके थ्रू हम आप यही मैसेज देना चाहते हैं कि बिल्डर को इस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और हर हालत में करनी पड़ेगी। ये तो केवल एक ऐसा फ्लैट है जिसके अंदर ये चीज़ हुई है, अगर ये फ्लैट बीच का होता तो हो सकता था ये बहुत बड़ा भयानक रूप ले सकता था। जिस दिन इस फ्लैट में आग लगी है उससे एक घंटे पहले इसी सोसाइटी के टावर नंबर C5 में नीचे आग लगी थी। जैसे तैसे लोगों ने उस आग को बुझाया और जैसे तैसे उस हादसे को रोका, लेकिन उसके एक घंटे बाद ही ये हादसा हो चुका है। और ये लापरवाही केवल आज की नहीं है, ये बहुत पहले से लापरवाही है। मैंने फरवरी 2021 इसी साल में मैंने फ्लैट लिया था, बिल्डर ने मुझे बोला था आप शिफ्ट हो जाओ, हम उसको रेनोवेट करा के आपको। जो इस सोसाइटी के बिल्डर हैं उनका कनॉट प्लेस में ऑफिस है, हरीश अग्रवाल और सुरेश अग्रवाल जो हैं वो इस सोसाइटी के बिल्डर हैं और उनसे मेरी खुद पर्सनली 2 बार मुलाकात हुई है और उनको मैंने इस सोसाइटी की मेंटेनेंस के बारे में और मेंटेनेंस टीम के बारे में उनको बताया था कि इस सोसाइटी में ये हाल है। उन्होंने बोला था कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया जाएगा, बट आज तक उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। और इनफैक्ट आप अभी भी अगर आप जाके देखेंगे तो इस पूरी सोसाइटी के अंदर कोई भी ना तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर भरा हुआ है और ना ही फायर हाइड्रेंट की कोई भी लाइन चालू है। तो इस आपके थ्रू बस हम यही एक मैसेज देना चाहेंगे बिल्डर को कि वो इस चीज़ में जैसे बाकी सोसाइटी के रेजिडेंट सामने आए हैं वो भी सामने आए, क्योंकि ये भी एक उनका परिवार है जिसकी वजह से उनका एक मोटा अमाउंट एक फ्लैट बिका है, तो उनको आगे आना चाहिए और इस परिवार को आर्थिक मदद की उम्मीद जतानी चाहिए। बस हमारा तो एक यही है, इस परिवार को हमें उजाड़ने से बचाना है। हम सारे ब्लॉकों के प्रधान हम भार्गव जी के साथ हैं और आगे भी ये परिवार हमें और परिवार भी देखना है, हम उनकी भी सेफ्टी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से ये राघव जी को एक आश्वासन दूँ, भगवान इनको बहुत हिम्मत दे, हमारी तरफ से जो हमारे साथ जो भी हमारी इनकी सारू व्यक्ति हमारे इनके साथ है, जो भी हमारे साथ कोई भी आपकी सेवा जो भी हमारे आगे जा पे हम इनके लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत भगवान इनको हिम्मत दे और इन परिवार को हमेशा के लिए आगे बढ़े। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि जो अब इनकी मांग है यही है कि जो बिल्डर है वो पहले तो यहाँ आए, यहाँ की स्थिति देखे और जो इनका नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई करें, क्योंकि अब इनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, बिल्कुल सड़कों पर ये लोग आ चुके हैं और ये यही मांग कर रहे हैं कि अब सर्दी आने वाली है और कितना नुकसान इनको हुआ है, जल्द से जल्द उसकी भरपाई की जाए।